दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रोमन अंक में कैसे हम संख्याओं को लिखते हैं। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि रोमन अंक हैं क्या। आप रोमन अंक अगर नहीं जानते हों, देखिए रोमन अंक इस तरह का होता है। देखिए ऐसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, इसी तरह से चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, इस तरह से संख्याएं हो गई। अगर अब हमको 20 लिखना है तो डबल एक्स लिख देंगे, 20 हो जाएगा। 30 लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स लिख देंगे, ये 30 हो जाएगा। अगर हमें 40 लिखना होगा तो एक्स एल लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। अगर एल लिख देंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं। तो हमें ये लिखना है कि जो संख्याएं दी हैं उन्हें हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को रोमन अंक में लिख सकते हैं इनके। तो देखिए इस तरह से अगर हम एल हो गया, इसी तरह से हम अगर हमें 100 लिखना होगा तो हम सी लिख देते हैं। अगर 200 लिखना है तो डबल सी लिख देते हैं। 300 लिखना है तो ट्रिपल सी लिख देते हैं। और अगर 400 लिखना है तो हम सी डी लिख देते हैं, और 500 लिखना तो डी लिखते हैं। इसी तरह से डी सी 600 हो गया, डी डबल सी 700 हो जाएगा, डी ट्रिपल सी ये 800 हो जाएगा। और जब 900 लिखना होगा सी एम लिख देंगे, और एम के लिए होता है 1000। तो ये सब हम जानते हैं। और तो अब हमें इन संख्याओं को कैसे लिखें, देखिए जैसे चार लिखा गया है, अब चार को हमें रोमन अंक में लिखना है। तो चार को हम रोमन अंक क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे आई वी ए हो गया। इसी तरह से नौ को लिखना है तो इसे लिख देंगे आई एक्स ए नौ हो गया। अगर अब 14 को लिखना है तो 14 देखिए एक्स लिख देंगे और इसके आगे चार लिख देंगे, ये हो गया 14। 24 लिखना हुआ तो डबल एक्स इसके बाद चार लिख देंगे। 36 लिखना हुआ तो आप पहले 30 लिखेंगे, देखिए ये 30 हो गया, इसके बाद आगे 6 लिख देंगे, ये 6 हो गया। तो आशा करते हैं कि आप रोमन अंक में दी हुई संख्याओं को बड़े सरल ढंग से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप संख्याओं को रोमन अंक में लिख लेंगे। तो चलिए हम 110 को कैसे लिखेंगे, देखिए 110 को लिखने के लिए हम 110 है तो 110 को देखिए 110 100 किससे लिखते हैं, 100 से 100 को सी से लिखते हैं, सी लिख देंगे और इसके साथ एक्स लगा देंगे तो 110 हो गया। और 251 लिखना है तो देखिए डबल सी लिख देंगे, तो डबल सी लिख देंगे तो हो जाएगा 251। 51 का एल होता है और वन एल वन माने डबल सी एल वन हो गया। 969 लिखना है तो पहले आप 900 का लिखेंगे तो 900 का क्या होगा, 900 का होगा सी एम, 900 का सी एम हो गया। इसके बाद 69 लिखना है तो 69 का क्या होगा, 69 का हो जाएगा एल लिख देंगे, एक्स ये 60 हो गया, इसके बाद इसके आगे 9 लिख देंगे। इस तरह से हो गया सी एम एल एक्स आई एक्स। यहाँ देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 9000 है तो 9000 अब आपको कैसे लिखना है, संख्या आ गई 9000। तो 9000 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 9 लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से 9 लिख देंगे। अब इसके ऊपर एक इस तरह से एक पाई लगा देंगे तो हो गया 9000, 9000 हो गया। इसके बाद आपको लिखना 890, तो 890 आप लिख सकते हैं। 800 क्या होगा,
800 का आप लिखेंगे डी लिखेंगे और इसके आगे 3 सी लगा देंगे तो 800 हो गया। 90, 90 कितना होता है आप जानते हैं, एक्स सी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 9890। इसी तरह से हम अगर जैसे हमें लिखना है 3656, तो 3656 पहले 3000 लिखना है। इस तरह से पहले हम तीन गिनती लिखेंगे, इस तरह से 3 हो गया, इसके ऊपर एक ऐसे पाई लगा देंगे, 3000 हो गया। अब इसके आगे आपको लिख देना है 656। 656 का क्या होगा, 656 को आप लिखेंगे 600 लिखेंगे, 600 क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे और सी लिखेंगे, तो 600 हो गया। 56 का लिखेंगे एल और इसके आगे वी आई, ये हो गया। 495 को 495 आप क्या लिखेंगे, 400 क्या लिखते हैं, 400 लिखेंगे सी डी, ये हो गया सी डी। और 95 का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी, 90 हो गया, इसके आगे 5 हो गया, तो हो गया सी डी एक्स सी वी। 9000, 21, 25, 10000, ये देखिए 91000 हो गया। तो अब आपको 91000 कैसे लिखना होगा, 91000 पहले आप लिखेंगे 91 का इतना होता है, 91 क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स सी वन, ये 91 हो गया। इसके ऊपर इस तरह से पाई लगा दी, एक हो गया 91000। अब आगे इसके लिख देंगे 245, 200 का जानते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे डबल सी और 45 का हो जाएगा एक्स एल और वी। इस तरह से ये संख्या हो गई 91245। आशा करते हैं कि अब आप बड़े ही सरल ढंग से रोमन संख्या में लिख सकते हैं और रोमन संख्या आपको अब लिखना आसान हो जाएगा और आसान ढंग से लिख लेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।